गाइस, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पास पेजेस टूरिस्ट बाय हरीश। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में और आपको बन रहा है वीडियो में एंड तक, किस टाइम को वेस्ट किए हम टेक ऑफ करते हैं। सो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे, जिसे भी होंगे, सेफ होंगे। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे प्रोसेसिंग टाइम के बारे में कि किस कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम बढ़ा है और किस कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम घटा है। सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, उसके बाद गाइस बात करेंगे कि पीपीआर का क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद बात करेंगे विजिटर और टूरिस्ट वीजा के बारे में कि क्या नई अपडेट आई है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम के बारे में। गाइस, एक यहाँ गुड न्यूज़ आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। जो स्टूडेंट कैटेगरी का प्रोसेसिंग टाइम था वो हमें लास्ट वीक जो है वो 12 वीक्स देखने को मिला था, और गाइस इस वीक भी वो सेम है 12 वीक्स। तो गाइस न्यूज़ है क्योंकि गाइस स्टूडेंट्स का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़ा नहीं, और गाइस इसी का सीधे सीधा इम्पैक्ट हुआ है पीपीआर की स्पीड पे। गाइस पीपीआर भी अब काफ़ी लोगों की आने लगी है, तो गाइस ये जो है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। जैसे अगर अपन कंपेयर करें स्टार्टिंग टाइम में तो 35 वीक्स था, फिर हमें 9 वीक्स देखने को मिला, और अब 12 वीक्स पे स्टेबल है। तो गाइस प्रोसेसिंग टाइम का स्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग टाइम स्टेबल रहेगा तो पीपीआर की स्पीड और बढ़ेगी और काफ़ी लोगों की पीपीआर और आएगी। अगर अभी हम कंपेयर करें मार्च को फरवरी से या जनवरी से, कितनी सारी पीपीआर हमें देखने को मिली है, एक बड़े पैमाने पर पीपीआर आ रही है गाइस। और अगर ट्रेंड की बात करें गाइस पीपीआर की ट्रेंड की, तो नवंबर दिसंबर जनवरी की जो फाइल्स हैं उन लोगों की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो चुकी है। और गाइस जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था मार्च एंड में पासपोर्ट रिक्वेस्ट की स्पीड बढ़ेगी, तो गाइस वैसा हुआ है, काफ़ी लोगों की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है। गाइस मैंने काफ़ी सारे पीपीआर टाइमलाइंस देखी 23, 24, 25 मार्च की, तो गाइस उसमें काफ़ी चीज़ मुझे नोटिस हुई कि कई लोगों की पीपीआर आ रही है जिन्होंने फाइल लॉन्च की थी फरवरी और मार्च में। तो गाइस ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 2 महीने लगेंगे, पूरे 3 महीने लगेंगे, 15-20 दिन के अंदर भी लोगों की पीपीआर आ रही है, तो आपको सिर्फ मोटिवेटेड रहना है। और गाइस अब तो प्रोसेसिंग टाइम स्टेबल है, अब मेरे अकॉर्डिंग ये कम होना चाहिए नेक्स्ट वीक या जब भी हम नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, और पीपीआर की स्पीड और बढ़नी चाहिए। मेरे पास इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोगों के सवाल आते हैं, इसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कमेंट्स में कि सर हमने फाइल लॉट की थी लास्ट ईयर फरवरी मार्च में या फिर नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर में, लेकिन आप तो वीडियो में बताते हैं कि नवंबर दिसंबर वालों की पीपीआर आ रही है लेकिन हमारी तो नहीं आ रही। तो गाइस देखिए, कनाडा का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, उनके पैरामीटर ना मैं समझ सकता हूँ ना आप समझ सकते हैं, लेकिन गाइस मुझे जो एक ऑब्जर्वेशन मैंने किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्च एंड होगा और अप्रैल स्टार्ट होगा तो काफ़ी लोगों की पीपीआर आ चुकी होगी। क्योंकि गाइस अगर हम पहले देखें तो हम यही प्रेडिक्ट कर रहे थे कि मार्च के सेकेंड वीक में या मार्च के लास्ट वीक में पीपीआर की स्पीड बढ़ेगी, पीपीआर का ट्रेंड बढ़ेगा। तो गाइस अभी जो ट्रेंड है करंटली वो नवंबर दिसंबर और जनवरी की फाइल्स पे ज़्यादा फोकस है उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर की जो बैकलॉग फाइल्स हैं उन पे वो ध्यान नहीं दे रहे, उनकी पीपीआर आ रही है। मैंने मार्च 2020 की पीपीआर की टाइमलाइन भी देखी है। तो गाइस वही वाली बात है, आपको सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, और अभी तो जो आपका प्रोसेसिंग टाइम है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें बैकलॉग जैसे क्लियर हो रहा है तो पीपीआर की स्पीड भी बढ़ेगी। तो कई लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पीपीआर क्यों नहीं आ रही, तो गाइस कोई पर्सनल आपसे ऐसा नहीं है कि उनको आपकी पीपीआर भेजनी। अगर हम कंपेयर करें इंडिया को अदर कंट्रीज से, तो इंडिया का प्रोसेसिंग टाइम इन स्टूडेंट कैटेगरी बहुत कम है गाइस। अगर आप अदर कंट्रीज का देखेंगे 30-40-50 वीक्स है, तो फिर भी इंडिया एक बेटर कंट्री है, कनाडा और इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं कि वो स्टूडेंट्स को अब एंट्री देना शुरू कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ मोटिवेटेड रहना है, पीपीआर तो सबकी आनी ही है। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो गाइस आप ये मान लें कि आपका वेट बस खत्म होने वाला है। अगर आप 1 साल से वेट कर रहे हैं तो आपका वेट तो खत्म होने वाला है, बस आप जो है ये उम्मीद करें, ये दुआ करें कि आपका जो रिवर्ट आया वो पॉजिटिव आए, क्योंकि इतना वेट करने के बाद अगर आपका रिवर्ट नेगेटिव आया तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा बात करते हैं वर्क परमिट वालों के बारे में। गाइस काफ़ी सारे सवाल आते हैं मेरे पास वर्क परमिट के क्वेश्चन डीएम में और यूट्यूब पे, तो उसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि कई लोग कहते हैं रिवर्ट नहीं आ रहे या फिर हमारा भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट का जो चल रहा है। तो गाइस देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अभी सामने आ रही हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स का ये बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं वैसे वैसे उतना ही बैकलॉग वर्क परमिट वालों का भी है। लेकिन गाइस अगर मैं बात करूँ वर्क परमिट का जो प्रोसेसिंग टाइम था आउटसाइड द कंट्री, वो लास्ट वीक जब हमने चेक किया था वो 6 वीक था और अभी 7 वीक है, तो 1 वीक बढ़ा है। अब हम इस 1 वीक को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट में ले सकते हैं। 1 वीक बढ़ा है तो गाइस ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि 1 वीक ज़्यादा टाइम लगेगा आपकी फाइल प्रोसेस होने में। अब इसको पॉजिटिव नोट पे भी ले सकते हैं हम कि सिर्फ 1 वीक ही बढ़ा है। लाइक स्टूडेंट कैटेगरी की बात करें तो स्टार्टिंग टाइम था 36 वीक्स था, मतलब अभी से 24 वीक ज़्यादा। तो गाइस सिर्फ 1 वीक बढ़ा है तो इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ
प्रोसेसिंग थोड़ी सी यहाँ स्लो होने वाली है, लेकिन गाइस जैसे ही स्टूडेंट का पूरा बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, सबसे मेन फोकस उनका उसके बाद वर्क परमिट ही है। अगर हम बात करें विजिटर वीज़ा की और टूरिस्ट वीज़ा की, सबसे पहले विजिटर वीज़ा की बात करते हैं भाई, विजिटर वीज़ा का टाइम अभी भी 200 वीक्स ही है, तो ये सही टाइम नहीं है विजिटर वीज़ा अप्लाई करने का। अगर आप की कोई कंडीशन, कुछ मेडिकल रीजन से आपको वहाँ जाना है, किसी का फ्यूनरल है, तो उस केस में आप विजिटर वीज़ा के लिए प्रोसेस कर सकते हैं अपनी फाइल, वरना अभी करना तो समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा इस बात करें टूरिस्ट वीज़ा की, क्योंकि काफ़ी टूरिस्ट वीज़ा के भी सवाल आते हैं। वैसे देखो, टूरिस्ट वीज़ा का ये सीन है कि अभी जो कनाडा हाई कमीशन या कनाडा का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो इंपॉर्टेंस दे रहा है, वो दे रहा है स्टूडेंट्स को, फैमिली को, वर्क परमिट वालों को। तो वैसे यहाँ जो टूरिस्ट कैटेगरी आती है वो एक तरह से अभी उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी उन्होंने अभी टूरिज्म अपना ख़त्म ही कर रखा है। तो वैसे वही बात है, इंटरनेशनल टूरिस्ट अभी कनाडा में वैसे एंटर नहीं हो सकते 21 अप्रैल से पहले पहले। तो वैसे वही वाली बात है, आपको अभी अगर टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है तो अपनी फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अगर आप अपने स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाइए, वो आपकी हेल्प करेगा इन टाइम जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे। बाकी आप करना चाहें तो आपके लिए वेबसाइट तो हमेशा ओपन है ही, आप कभी भी टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कनाडा का। बस वही वाली बात है, रिवर्ट कब आए उसका कुछ कन्फर्म नहीं है, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, वर्क परमिट वाले वेट कर रहे हैं, फैमिली वाले वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारा बैकलॉग है गाइस अभी भी बाकी। तो गाइस ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। अगर आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो उस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमें तो मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। हम मिलेंगे ऐसे किसी हेल्पफुल और अगले अच्छे वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।